What's up beautiful people? देखो बारिश में चल रहे हैं हम लोग। Hi guys, welcome to a new vlog। शिल्पा का बर्थडे की सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं हम। फाइनली तैयार हो गया मैं। मेरा बर्थडे आ गया। पानी गिर गया मेरे ऊपर। तो फाइनली मेरा बर्थडे आ गया। ये अभी वैसे टेक्निकली बर्थडे का कल है, 22 दिसंबर कल है, आज 21 तारीख का दिन है। तो ये वाला व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं, शिल्पा को नहीं पता है। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। उधर ये चेक इन की लाइन है शिल्पा, स्टैंडर्ड चेक इन एंड क्या लिखा है चेकआउट। मोबाइल चेक इन हमारा आ गया, चेक इन एलिट चेक इन आ गया। गेस्ट सर्विसेज नीड अ राइट टू द गेम, एलिट चेक इन है। एटलीस्ट हमारी लाइन कम है शिल्पा, कुछ भी नहीं है। वाह कुछ तो लाइन कम है। वाह देखो क्या लाइन है। इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी गाइस, ह्यूज प्रॉपर्टी। अभी लाइन में खड़े हैं हम लोग, बहुत भीड़ है चेक इन के लिए, बहुत भीड़ है गाइस। हम अपने रूम पे अभी बैग रख के आए हैं। इतनी ह्यूज प्रॉपर्टी है गाइस, ये 125 एकर्स की प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। मिल ही नहीं रहा था, हमें कुछ समझ ही नहीं रहा कहाँ से जाना है। और अभी हम रूम पे सामान रख के आए हैं, अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। अब आपको दिखाते हैं क्या ह्यूज होटल है, ह्यूज रिजॉर्ट गाइस। और यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें भी मिली है हमें कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि एक स्टेटस के बाद मिलती है, मेंबरशिप पे मिलेगा लाइक जो आपका टाइटन होगा। बट शिल्पा के बर्थडे पे, कल उसका बर्थडे, बारिश हो रही है 3 दिन, बारिश है कंटिन्यूस। पिछले साल शिल्पा के बर्थडे पे बर्फ़ पड़ी थी, तो मैं सब दिन क्यों करती हूँ अपना बर्थडे। हाँ पिछले साल बर्फ पड़ती है, साल इतनी बारिश हो रही है तो भगवान इतना खुश है कि मैं पैदा हुई हूँ। बारिश हो रही है शिल्पा के बर्थडे पे। पिछले साल बर्फ पड़ी थी, इस साल बारिश है, एटलीस्ट चलो कुछ तो बेटर है। गाइस कहते हैं कि इस रिज़ॉर्ट में पूरी की पूरी सिटी आ सकती है, इतना बड़ा रिज़ॉर्ट है। 125 एकड़ का रिज़ॉर्ट है और बहुत सारे अंदर रेस्टोरेंट्स हैं। एक प्रॉपर इन्होंने रिवर भी बना रखी है। टेक्सास में एक जगह है, उसका नाम है सैन एंटोनियो, तो उसमें एक बहुत बड़ी फेमस एक रिवर है सैन एंटोनियो रिवर। उन्होंने पूरी की पूरी रिवर बना रखी है होटल के अंदर। वहाँ भी जाएँगे हम देखना, चेकआउट करना कितना बड़ा क्रिसमस ट्री है। और ये एट्रियम होता है, एट्रियम के पास ये जो सारे आपके वो है रूम्स, ये रूम्स बहुत अपग्रेडेड माने जाते हैं क्योंकि इन रूम से आपको सारा का सारा एट्रियम का व्यू दिखता है। हमारा भी थोड़ा व्यू है, वो भी आपको रूम टूर कराता हूँ मैं। बट दिस इज़ एट्रियम और यहाँ पे ये अपग्रेडेड रूम्स माने जाते हैं यहाँ पर। बहुत भीड़ है गाइस, बहुत भीड़ है और क्योंकि एक्टिविटीज़ भी बहुत है यहाँ पे। और छोटी सी ट्रेन चल रही है, सिटी बना रखी है, वो है क्या? ओ कहाँ कुछ तो सिटी बनी हुई है। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस रिज़ॉर्ट में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे बहुत लाइट्स होती हैं, मिलियंस ऑफ लाइट्स। जो लाइट्स आप देख रहे हैं इसमें तो बहुत अच्छा डिस्प्ले होता है। और इनका बहुत फेमस एक शो होता है आइस, हाउ द ग्रिंच स्टोल द क्रिसमस, तो ये बहुत बड़ा फेमस होता है इनका शो। इसकी अलग से टिकट मिलती है, $35, $40, $50 भी पर पर्सन की टिकट होती है इसकी। हम इस बार तो नहीं करने वाले वो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम चाहिए होता है आपको। और अभी आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देखी हम, पहली ओवरवेलमिंग हम थोड़ा चाहते हैं कि आराम से करेंगे, मे बी फ्यूचर में फिर आएंगे, फिर ये वाला शो करेंगे। और उसमें बड़ी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आइस स्लेडिंग होती है, वो सब होता है, तो वो कभी करेंगे नेक्स्ट टाइम। बट आज बस हम रिजॉर्ट इन्जॉय करेंगे और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो भी चेकआउट करेंगे। यहाँ पर इनका एक सिल्वर बार करके एक सिर्फ बार है, यहाँ पर आप ऑब्वियसली बार में ड्रिंक्स वगैरह पी सकते हो। यहाँ से एग्जिट एंड लॉबी है। यहाँ पे सबको एक ओवरनाइट जो रहता है रूम्स में, उनको एक बैंड मिला है ताकि आप बैंड दिखा के रेस्टोरेंट में एंटर कर सकते हो। यहाँ पे रेस्टोरेंट में भी आपको रिजर्वेशन भी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है यहाँ पर। इतनी भीड़ में हमें यूजली यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक स्टेटस है ना इनका मैरियट के साथ, तो अपग्रेड्स वगैरह मिलते हैं, और इतनी भीड़ में कोई अपग्रेड नहीं मिला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे मैरियट के मेंबर्स को वो भी मिल रहे हैं एक वेलकम ड्रिंक्स, सिर्फ आई थिंक प्लैटिनम एंड टाइटेनियम मेंबर्स का। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ले रहे हैं, तो मैं भी लेने आया हूँ। मुझे इन्होंने दो मैं वो दिए हैं कार्ड्स कि आप ले सकते हो। वाह, डेजर्ट से भी बनाया हुआ है कैक्टस के साथ। केव्स का है मतलब ये क्या है, पत्थर से दिख रहा है आपको? कोई तो है, कैनियन ही है। ग्रैंड कैनियन भी कुछ कैसे ऐसी है गाइस। ये एक इनका रेस्टोरेंट है टेक्सस स्टेशन, और आप देख सकते हो लाइन है यहाँ पे। रिजर्वेशन चाहिए, लिखा भी हुआ है कि एक्सक्लूसिवली फॉर ओवरनाइट गेस्ट ओनली। और हम आ गए रिवर वॉक, सैन एंटोनियो रिवर वॉक के ऊपर बनाया हुआ है अंदर, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे रिवर वॉक है सैन एंटोनियो में। टेक्सास के अंदर एक सिटी है गाइस सैन एंटोनियो, वहाँ पर एक रिवर है और बिल्कुल वैसा वैसा अंदर बनाया है इन्होंने। रिवर वॉक कैंटीना, चलो फोटो खींचो तुम्हारी। शिल्पा, सरप्राइज कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मुझे तो पता नहीं था कि हम यहाँ आ रहे हैं और इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया जगह है, इतनी बड़ी है एक्चुअली। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या देखूँ, बहुत सुंदर गाइज। बस ऐसे का मैंने सोचा यहाँ पर टेक्सास में है, डैलस में है, डैलस के पास, डैलस एयरपोर्ट के पास बहुत पास है ये जगह। तो मुझे लगा, मैंने भी कभी देखी नहीं थी। मैं तो शिल्पा को ले चलते हैं, एंड व्हाट्स बेटर दैन हर बर्थडे। तो यहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग क्रिसमस टाइम। क्रिसमस टाइम पे बहुत भीड़ होगी यहाँ पे, तो आना बनता है। अभी लाइट शो होने वाला है, हम लाइट शो के लिए बैठे हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं, और 10 मिनट में लाइट शो शुरू होने वाला है। इसको अभी अमेजिंग लाइट शो मैंने देखा नहीं है, बट भीड़ इतनी हो रही है ना यहाँ पे, तो देखने थोड़ा कैसा होता है। क्रिसमस विलेज, देखें क्या है अंदर। ओह वाह, मुझे झूले दिख रहे हैं अंदर। बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए, इस लाइक पूरी सिटी बनी हुई है यहाँ तो। हाँ वो है ना आइस अंदर, वो आइस, इसकी टिकट्स ले सकते हो अलग से गाइस। आइस हमने नहीं ली इस बारी, मे बी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आपको जैकेट चाहिए, और ऑलरेडी बहुत कुछ यहाँ करने के लिए तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है। बिल्ड-अ-बेयर वर्कशॉप, आप अपना टेडी बियर यहाँ से, खाली टेडी बियर है चूज कर लो, वहाँ अंदर हुई है। अच्छा, वो भरेगी आपके सामने। ओ अच्छा, बिल्ड-अ-बेयर है ना, तो यहाँ से उठा लो और लो। इंटरेस्टिंग। कितनी क्यूट लग रही है। देखा बिल्ड-अ-बेयर है। अच्छा, ये पीछे रूई आ रही है ना, वहाँ से रूई। क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चों के लिए है, बच्चों की भी एक्टिविटीज है। शिल्पा फोटो, फिर से फोटो हो जाओ। लड़कियों के मज़े आते हैं ऐसी जगहों पे फोटो खिंचवाते रहा। मैंने भी खिंचवाई है एक दो। कुछ गेम्स हैं बच्चों के लिए, पीछे 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 पीछे। अच्छा, आइस थ्रो, आइस थ्रो, ऐसे स्नो बॉल्स फेंकनी है शिल्पा। ये रहा, हाँ ये रहा, देखो स्नो बॉल बिल्ड एंड ब्लास्ट। पहले स्नो बॉल बनाओ और फिर फेंको। बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ है गाइस। ये फेंका, बॉक्स मिल रहा है ना सबको। हाँ नहीं, बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, मिल रहे होंगे शायद। निशाने बहुत गंदे हैं आगे बच्चों के। तुम कर पाओगी? हाँ, यहाँ की सेकंड बेस्ट एक्टिविटी है गाइस, आइस स्लेडिंग। बहुत लोग करते हैं यहाँ पे। आइस जो ग्रिंच वाला शो है उसके बाद ये बहुत लोग करते हैं यहाँ पे स्लेडिंग एंड ऑल। वो बच्चों का है ना? हाँ सबका है, कोई भी कर सकता है। हाँ तभी जो ठंडक ठंडक हो रही है यहाँ पे। मैं कहूँ जैकेट की जरूरत क्यों लग रही है मुझे। अच्छा दादा ना। नेक्स्ट देखो गाइस, यहाँ पे आपको मिलेगा आइस स्केटिंग। क्या मस्त आइस स्केटिंग कर रहे हैं सब लोग। और इन सब के लिए आई थिंक टिकट्स चाहिए तभी है ना शिल्पा? आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे टिकट्स चाहिए होंगी इन सब। हाँ हो रही ना टिकट्स। शिल्पा तुमने कभी ट्राई किया? नहीं, मैंने लगता मैं गिर जाऊँगी। तुम्हें लगता नहीं? तुम गिरोगी ही गिरोगी। मैंने किया हुआ, मैं गिर गया था। अच्छा, मुश्किल होता है क्या इसे? हाँ। इजी नहीं होता। इतनी सारी आइस की एक्टिविटीज़ हैं तभी मैं कहूँ तो ठंड क्यों लग रही है, क्योंकि मैं तो टी शर्ट में घूम रहा हूँ ना, जैकेट तो मैंने रूम पे छोड़ दी है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी। एंड देन व्हाट वी हैव, ओके ओके, शो पीस एंड ऑल, गिफ्ट्स एंड ऑल आप पिकअप कर सकते हो, खरीद सकते हो। हम चलते हैं फाइनल चीज़ पे जो कि है कलोसल। ठीक है, ये बढ़िया लग रही है। खाने की है क्या? और गाइस पूरी सिटी है, पूरी सिटी जैसी है अंदर, सब कुछ है। वैसे शिल्पा को पसंद था, देख रही थी टारगेट पे $5 का रहा था, यहाँ पर $20 का है। ऑब्वियसली रिजॉर्ट में तो महंगा ही होगा ना। और शिल्पा ये ले लो छोटा बटी, शिल्पा पजामा ले लो, मैं नहीं पहनूंगा ये, और याद रखना वहाँ छोटा बटी है ना, बटी ऐसे था ना बस मैंने, बिल्कुल टैडी नहीं है, टैडी की किसी ने फ़ोटो नहीं बनाई। मैं नहीं पहनूंगा शिल्पा। बोलिए हैप्पी हॉलीडेज, पजामा ले लो शिल्पा। गाइस, अब आपको फाइनली कोलोसल दिखाते हैं। बेसिकली जो हमारे यहाँ इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, घोड़ा नहीं, क्या बोलते हैं, भूल गया गाइस। बचपन में जाते थे मेले के अंदर, पर अभी मैं भूल गया क्या बोलते हैं इसको ना। घोड़े हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। बाय बाय। तो बस बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बहुत भीड़ है, बहुत ऊपर कर गया। तेजी चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है। अच्छा कैसी है? अच्छी है। वो बहुत टेस्टी है। टीरामिसू बहुत, 2 फ्लेवर लाई है, एक चॉकलेट है, एक टीरामिसू है। बहुत बढ़िया। एक कॉफ़ी, टीरामिसू कॉफ़ी टाइप होता है। ऑलराइट, अब आपको गाइस अपना रूम दिखाते हैं। रूम थोड़ा सा नॉर्मल साइज है, कुछ खास नहीं है, अपग्रेड मिला नहीं है तो, बट इट्स ओके, हमारे लिए 2 बंदों के लिए एक रात के लिए बहुत है। तो ये है हमारा बाथरूम, डुअल सिंक है इसके अंदर और शावर और पॉट एज यूजुअल। फिर हम चले, और इस साइड यहाँ पर एक क्लॉसेट भी है जहाँ पर आपको आयरन टेबल मिलेगी और हैंगर्स और कपड़े वपड़े टांगने के लिए। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर एक किंग बेड और बस एक काउच सोफा सा। टीवी चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर है एट्रियम व्यू जो कि अच्छा है, नॉट बैड। शिल्पा ऑलरेडी बालकनी में खड़ी है। तो गाइस व्यू इतना बुरा भी नहीं है, बहुत बढ़िया व्यू है। और देखो क्या बढ़िया लग रहा है, राइट। तो एट्रियम व्यू है, नीचे से फूड फेंक देता है ऊपर। नीचे खाना खा रहे हैं लोग। हम भी चलते हैं कहीं खा के आते हैं। और ये हमारी ही बालकनी है, कोई आजू बाजू से कनेक्टेड नहीं है। तो इतना बुरा भी नहीं है रूम हमारा, बट नॉर्मल है और व्यू अच्छा है, तो वी आर ओके। बस कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हमने, रात की सोने की तैयारी है। मैं लैपटॉप लेके आया हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर वेकेशन में भी यूट्यूबिंग चलती रहती है गाइस, कभी रुकनी नहीं चाहिए। और थैंक यू फॉर अपने कमेंट्स में मखानों के बारे में आपने बताया कि इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ समझ मेरे को नॉलेज बहुत अच्छी लगती है। तो मखानों के बारे में सुना, पढ़ा, वीडियो देखी, एक आध वीडियोज़ भी शेयर कर दिया आपने, तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। और शिल्पा अभी बस इंडिया फ़ोन करने लगी है, इंडिया से फ़ोन आया था मम्मी का, भाभी का, उनसे बात करने के लिए। शिल्पा का बर्थडे आने वाला है ऑलमोस्ट, इंडिया में शुरू हो गया ना, इंडिया में शुरू हो गया। यहाँ पे बस बजने वाले हैं, यहाँ पे 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। गाइस 12 बज गए, शिल्पा का बर्थडे आ गया। आगमन करके बैठी है गाइस। हम केक लेके आए थे बाहर से, क्योंकि केक नौटंकी। रुको एक सेकंड, ये मेलो ड्रामा मत करो, तुम साथ में गई थी मेरा केक लेना। ये लोग ऐसे नहीं बोलते, कह रही ऐसे नहीं बोलते। अब जो फैक्ट है उसमें क्या हो गया, अब मैं कहाँ से लाऊंगा शिल्पा केक अकेले जाके। ओह शिल्पा गाइस देखो क्या नौटंकी कर रही है, देख रहे हो, खुद ही चूज करके लाई है। अब ऑब्वियसली कहाँ से ला, 1 घंटा दूर है ये रिजॉर्ट हमारे घर से। अब मैं वहाँ से तो लाऊंगा नहीं, केक पिघल जाएगा, तो ऑब्वियसली यहीं से लाए हम दोनों साथ में जाके। और गाइस चक्कू भी नहीं हमारे पास, ओके हम ये फोन से काम चला रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, ओ ऐसा करोगे जल्दी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो काटो 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 काटो। ये शिल्पा स्वीट 16, स्वीट 18, 21 कितनी, 13? ओह अभी 3 हुई है अभी तो। शेट, चाइल्ड मैरिज में फंस जाऊंगा मैं तो। मैं खुद ही खा लूं। खिलाओ आप, खिलाओ। अच्छा हैप्पी बर्थडे शिल्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा फेवरेट चॉकलेट ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली होता है। ओके कैमरा खिला दो, इतना एक्चुअली सबको खिला देती हूँ। गाइस ये लो आप भी केक खा लो, शिल्पा के बर्थडे। हेलो फ्रेंड्स, केक खा लो। तो कितना सारा दे रही हूँ गाइस केक। गाइस वीडियो चल रही है अभी, पर मैं सोच रहा हूँ कल के दिन भी कंबाइन कर देते हैं, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। एक दिन बर्थडे तो अभी शुरू हुआ है ना, बर्थडे तो अभी शुरू है ना, एक्चुअल पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अब और केक नहीं काट रहे हम, बोलेंगे पार्टी शुरू हुई है और केक चाहिए तुम्हें। गाइस अभी तो सरप्राइज आएंगे, कोई सरप्राइज नहीं आ रहा, मैं कुछ बता नहीं ना अभी तो, ऑब्वियसली ऐसे बोलेंगे ना। ये सरप्राइज कम था ये क्या, जो ये इतने बड़े रिजॉर्ट में हम आके। हाँ वो तो था फिर, लेकिन वो तो 21st का था ना, बर्थडे तो 22nd का होता है। अच्छा चलो गाइस आपसे कल मिलते हैं फिर से, और हो सकता है ये दो पार्ट्स में आए वीडियो, अभी मुझे पता नहीं है, एडिटिंग जब करूँगा ना तब पता लगेगा कि वीडियो कितनी लंबी होगी है, कैसी है। बट एनीवे मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू गाइस। पैर चलो पैर से। थैंक यू। चलो गाइस मिलते हैं आपसे दोबारा ब्लॉग में, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। देख कितनी खुश है, देख कितनी खुश है, देख इतना इतने बिग डील क्या है, सबका बर्थडे आता है क्या? ओह अच्छा, बहुत बिग डील है गाइस, बहुत बिग डील है। ओह माय गॉड, इट्स जस्ट नॉट अ बर्थडे, इट्स शिल्पास बर्थडे। साल बाद आता है, साल बाद मुझे लगता है सबको अपना बर्थडे ऐसा ही मनाना चाहिए, क्योंकि इतना वेट करके साल बाद बर्थडे आता है और फिर एक दिन मैसेज हो जाता है। हां तो नो, हर मोमेंट एंजॉय करो। और पता है ये एक्चुअली में जिस दिन बर्थडे होता है ना, जैसे आज बर्थडे है, आज रात को जब 11 11:30 12 बजने वाले होंगे, जब बर्थडे खत्म होने वाला होगा, इतनी सैड होती है कि शिट यार बर्थडे जा रहा है, पूरा एक साल वेट करना पड़ेगा एक और अगले बर्थडे के लिए। बट एनीवे नींद कैसी आई तुम्हें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो अभी सो के उठे हम लोग और बालकनी में आ गए, इधर एट्रियम का मज़ा ले रहे हैं, व्यू देख रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं, तो ये देखो एट्रियम लाइट हमेशा जलती रहती है आई थिंक। और यहाँ पे पूल में देखो लोग नहा भी रहे हैं आई गेस, कि या तो हीटेड पूल होगा आई एम श्योर। वो देखो आपको दिख रहा है नहाता हुआ, वो देखो स्विमिंग कर रहा है कोई, आई एम श्योर हीटेड पूल होगा, सर्दी में तो कोई नहीं करेगा वरना। बड़ी टेडी की भी फोटो आ रही है, मस्त फोटो वीडियो खूब इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने टेडी की वीडियो भेजी, टेडी गोल 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 घूम रहा है टेबल के पीछे ना, उनके दूसरे लैब्राडोर के साथ खूब मजे ले रहा है टेडी को। और बेड पे बैठे हुए हैं भाई साहब, हमारे घर में बेड्स पे अलाउड नहीं ना डॉग्स, वहाँ पे मस्त बेड पे बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं। बड़ी तो इतना टेडी तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है और बड़ी दूर से बैठ के देख रहे हैं सबको। बड़ी ऐसे ही है, बड़ी मुझे लगता है कि इतना शांत बच्चा है। हाँ वो शांत बच्चा है, उस लाइक तुम खेल लो आई एम ओके। हाँ मैं दूर से ठीक हूँ। हाँ बस चलो चलते हैं ज़रा, हम भी निकलते हैं। यहाँ पे ना अपग्रेड कर रहा हूँ मैं, लेट चेकआउट भी नहीं मिला, बहुत भीड़ है। अरे इनका दो क्रिसमस टाइम पे इतनी भीड़ होती है यहाँ पे इस रिजॉर्ट में। इनकी चिट्ठी आई हुई थी दरवाजे के नीचे कि अगर आपको जल्दी निकलना हो यहाँ से तो हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे यहाँ पे निकलने के। लेट चेकआउट तो छोड़ो, जल्दी कह रहे हैं, जल्दी निकलना हो तो भाई आराम से उठेंगे हम, सो के आराम से जाएंगे, कोई पॉइंट्स नहीं चाहिए हमें, रख लो हमें तो साहब तुम लेट चेकआउट दे दो। इतना बिजी है ये रिजॉर्ट इस टाइम पे, फटाफट खाली करो दूसरा बंदा आएगा। क्रिसमस टाइम पे बहुत बिजी होता है रिजॉर्ट। आप भी अगर डैलस कभी आए रहते हो तो ट्राई करना, अच्छा है बहुत। बाद में मैंने जब अभी रियलाइज़ किया, हम लोग टॉप फ्लोर पर है इसके, देखो दिखाता हूँ, देखो गाइस टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। बढ़िया चलो चले, हम भी तैयार हुए हैं। स्विमिंग पूल तो नहीं जाएंगे हम, चलो इतनी हिम्मत नहीं है मुझे, थोड़ी थोड़ी ठंड है, बारिश रुकी है वैसे। वर्टिकल तैयार हो गई है। ना सुनने वाली क्या बात है इसमें। उधर से अच्छा। गाइस मुझे जज मत करना, मैंने वापस से वही कपड़े पहन लिए क्योंकि मैं भूल गया लाने। ये जो तबड़ा सूटकेस आया है, मैं ना रात के लिए कपड़े लाया था, एक कोट डाल के लाया था, एक पैंट ट्राउज़र एंड शर्ट डाल के लाया था, वो मैंने भूल गया कल, भूले नहीं थे मतलब, वो मौका नहीं पड़ा उसका पहनने का। हम निकले और फिर उसी में पूरा टूर हमने वहीं पे कर लिया। और मैं आज के लिए लाना भूल गया, तो अब वैसे भी बर्थडे शिल्पा का है ना, तो शिल्पा को देखो आप। और गाइस एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा मैं, अभी आया था कि बर्थडे डैडी को क्यों नहीं लेके गए, मैं वो तो मैं बताने भूल गया गाइस। इस प्रॉपर्टी पे, इस होटल रिजॉर्ट में डॉग्स अलाउड नहीं है, वरना ऑब्वियसली बर्थडे डैडी हमारे साथ आते। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बर्थडे डैडी यहाँ पे अलाउड हो और मैं उनको ना लेके जाऊँ, सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो यहाँ पर अलाउड नहीं थे। आपने किसी भी यहाँ पर जितना भी मैंने अब तक वीडियो बनाई है, आपने कभी नहीं देखा होगा अभी तक कि किसी के पास डॉग है, क्योंकि डॉग अलाउड नहीं है। अलाउड होता तो बर्थडे डैडी ज़रूर आते हैं। ऑलराइट बाय, जा रहे हैं गाइस हम। कितनी भीड़ हो रही है, ऐसा लगा जैसे थीम पार्क होता है ना, इतनी भीड़ हो रही है, इतने लोग आए हैं। ऑलराइट बाय रिजॉर्ट। पूरा का पूरा देखो हिल स्टेशन जैसा लग रहा है, फीलिंग तो ऐसी आ रही है गाइस। चलो हम चलते हैं, होगी आज की वेकेशन एंड लेट्स गो। चेकआउट आई है मैं ना, देखो कितने लोग वापस जा रहे हैं सब। और बारिश भी रुक गई है अब तो, नाइस एंड सनी वेदर हो गया अब तो। चलो शिल्पा लेट्स गो, डायरेक्ट जा रहे हैं हम लोग, बड्डी एंड डैडी को पिक करेंगे फिर घर जाएंगे। इन शीशा मत तोड़ियो भाई, डैडी हमें पहचानता तू। आगे 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 चलो 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 चलो। अरे बॉय बापू शॉप को भी देखना है क्या? गाइस देखो बड़ी डू की मम्मी ने क्या दिया शिल्पा को। क्या वो सुंदर सा गिफ्ट कार्ड है, कितना प्यारा कार्ड है। दिखाता हूं आपको। और कार्ड देखो वैसे तो कितने अब आई डोंट थिंक अब कार्ड इतना लोग यूजुअली देते हैं लोग एक दूसरे को, बट देते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। ओह ओह शिट वाओ फ्लावर का बुके है। ओह भाई साहब मेरा बास्केट है पूरी फ्लावर। क्या बात है। और बटरफ्लाईज भी हैं। बटरफ्लाई बड़ी बटरफ्लाई खाना नहीं बेबी। ओए डैडी बाबू साथ देखो थोड़ा दिखाओ जूम करने दो मुझे दिखाना। वो अच्छा ऐसे डैडी रुक जा। देखो गाइस देख रहे हो कितना बढ़िया। हां नाइस बढ़िया। और इसका गिफ्ट कार्ड भी है साइड में। हाँ। तुम मजे कर रही हो मैक्सिकन रेस्टोरेंट में ये। हाँ। अरे मेरा गिफ्ट भी दिखा दो। है? मेरा गिफ्ट भी दिखा दो। वो जो सरप्राइज गिफ्ट था वो तो वेकेशन तो थी ही थी। हाँ। एक्चुअल गिफ्ट भी दिखा दो, लोगों को पता लगना चाहिए कि मैंने भी दिया है तुम्हें। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बहुत तेज कहीं एक और चाहिए। वो हाँ लाओ दिखाओ। अच्छा ये देखो आगे लेकर माइकल कोर्स का पर्स सुंदर है। मुझे ऐसा छोटा बैग चाहिए था, बस छोटा वाला नहीं था। कितने पर्स हो गए तुम्हारे पास? ऐसे नहीं काउंट करते सब। इसके कभी लिमिट कोई लिमिट है कि नहीं है? कोई लिमिट नहीं होती पर्स की। अभी मेरे पास देखो सबसे बेसिक ब्लैक कलर का नहीं है तो नेक्स्ट ब्लैक आएगा। किस लड़की ने मना किया मुझे पर्स नहीं चाहिए है ना। तो देख लो कितना सुंदर है माइकल कोर्स का। और यहाँ पे अंकल लिखा हुआ है, बहुत क्यूट सा है। और यहाँ पे सारे स्टड्स हैं, परफेक्ट छोटा सा है ना, छोटा सा बैग, एवरीडे बैग। सही है। तो गाइस मैंने अपनी पसंद से ले लिया था। हाँ। तो इसने पहले ले लिया था इसने। बहुत तेज है। कई बार ऐसे करती है कि यार ये वाला है ना अभी ले लेती हूँ, और जो दो दिन बाद बर्थडे आ रहा है ना कई बार उसके लिए हो जाएगा, पसंद आ जाता है ना। हाँ, फिर मुझे लगता है कि मैं ले लूंगा। फिर इसने कहा बर्थडे गिफ्ट है तो अपने हिसाब से ले ले पहले, फिर मैंने ले लिया। सुंदर है। ये कितने लोग ऐसा करते हैं ना गाइस, आप भी मुझे बताना कॉमेंट्स में कौन कौन करता है। आई एम श्योर बहुत लोग ऐसा करते हैं, पहले 2-3 दिन पहले या जब भी पहले ले जाते हैं ये ना मेरा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। बर्थडे आ रहा है ना 3 दिन बाद, ये बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा आपकी तरफ से, पहले ले लेते हैं। शिल्पा तो करती रहती है, आप बताना कौन करता है कमेंट में। ये क्या करती है मेरे बदी को। बदी आप तो मेल दोगी हो, बदी आप नहीं पहनोगे। अच्छा देखो गोल्ड की चेन है बीच में। बदी ज्यादा शॉपिंग बेचारे क्यूट डॉग्स को कुछ भी बना दो, मना नहीं करते कभी। शॉपिंग करने जा रहा बाबू कभी मना नहीं करते, डॉगीज कुछ भी बनाते हैं इनको। आज कभी दे दे चलो तुम कोगी। हाँ। बोला क्या मैं तुम किचन में काम मत करो, आज बर्थडे है तुम्हारा। गैस बंद कर दो। हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कि आप मुझसे आज कुकिंग करवा रहे हो। मैं नहीं करवा रहा, तुम कर रही हो अपने लिए। अच्छा उससे याद आया। हाँ। बहुत दिन हो गए यार हमने कहीं मुझे घुमाया नहीं, बहुत दिन हो गए। पता नहीं लास्ट टाइम घूमने कब गए थे। ये आएगा उड़ता हुआ ऐसे करिए, घुमाए नहीं आज घूम के आए। एक दिन का कम पड़ गया वो लग रहा है ना, पर चलो कोई बात नहीं। मैं वीडियो करता हूँ बंद। थोड़ी सी 2 दिन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और अभी कुछ खास नहीं है हमारा। अब बस घर पे बैठ रहे हैं, घर पे ही हम सोच रहे हैं घर पे भी थोड़ा सा मूवी वगैरह देखेंगे और डिनर करेंगे साथ में। बस दैट्स इट, कुछ बाहर जाने का प्लान नहीं है क्योंकि आज बाहर से आया ना ऑलरेडी, और बर्थडे डैडी के साथ रहना चाहते हैं हम लोग आज। तो इसी बात पर मैं करता हूँ वीडियो बंद। हैप्पी बर्थडे टू शिल्पा वंस अगेन। शिल्पा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सबकी तरफ से। हाँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस। बाय बाय। अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।